हम में से बहुत से लोगों के बचपन से जुड़ी एक बहुत ही मीठी सी याद है, भगवान का प्रसाद खाना। कभी मंदिर जाकर, कभी घर पर दादी या नानी के हाथों से बनाया भगवान को भोग चढ़ाया हुआ प्रसाद। प्रसाद ये वैदिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग है। कोई भी पूजा या धार्मिक महोत्सव प्रसाद के बिना तो अधूरा है। भगवान को प्रेम और भक्ति से लगाए जाने वाले भोग जब भगवान स्वीकारते हैं तो उनकी कृपा के रूप में हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। हम जिस प्रकार का भोजन खाते हैं उसका प्रभाव हमारे मन और चेतना यानी कॉन्शियसनेस पे पड़ता है। सात्विक मन और चेतना से ही हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि यदि हम उन्हें प्रेम भक्ति से फल फूल तुलसी का पत्ता या केवल पानी भी प्रदान करें तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकारते हैं। धार्मिक रूप से देखा जाए तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि प्रसाद यानी भगवान को भोग लगाया जाने वाला कुछ मीठा खाद्य पदार्थ। लेकिन भगवान की कृपा सिर्फ एक ही प्रकार के खाद्य पदार्थ में सीमित नहीं। प्रसाद ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है कि किसी भी प्रकार के शाकाहारी सात्विक भोजन को ग्रहण करने से पहले उसे भगवान को अर्पण करना चाहिए। अलग अलग संस्कृति से जुड़े लोग या भिन्न भिन्न जगहों पर रहते लोग भगवान को अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ अर्पण करते हैं। जैसे कि अत्यंत ठंडी जगहों पर जहाँ फल और सब्जियाँ मिलना बहुत कठिन है वहाँ ज़्यादातर लोग ब्रेड या दूध से बने पदार्थ भोग लगाते हैं। जहाँ वनस्पति की अच्छी उत्पत्ति होती है वहाँ लोग अलग अलग तरह के व्यंजनों का भोग लगाते हैं। हम अक्सर हमारे मनपसंद व्यंजन भगवान को भोग लगाते हैं। लेकिन भगवान इतने दयालु है कि प्रेम और भक्ति से अर्पण किए गए भोग को वे सहर्ष स्वीकार करते हैं। इसलिए आध्यात्मिक सिद्धांत को टाइम प्लेस और सर्कमस्टांसेस के अंतर्गत समझना बहुत ज़रूरी है। भगवान आध्यात्मिकता के स्रोत हैं और आधार हैं और सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से अपनी कृपा सभी को प्रदान कर रहे हैं। इसलिए प्रसाद ये न केवल कोई खाद्य पदार्थ है बल्कि भगवान को प्रेम से चढ़ाए हुई कोई भी वस्तु प्रसाद है यानी उनकी कृपा है। धन्यवाद। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666-839-839।